भजन का लिखने वाला भजन 101 में कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ,
ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा, भोर ही भोर को मैं संदेश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर में सब अनर्थकारियों का नष्ट करूं। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम था, परमेश्वर इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष बख्शे। धन्यवादित हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्लेसेड इवनिंग हु हैड जॉइंड टुडे ऑन जूम एंड फेसबुक। मैं आप सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में सलाम देता हूं और आप सबको आज की शाम फ्रॉम होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे लाइव हैं वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और जितने लोग जूम पे हैं वो भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने कैमरास को खोल सकते हैं ताकि परमेश्वर देख सके कि आज उनके सामने कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। आज की प्रेयर एंड वर्शिप का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ओपनिंग प्रेयर होगी, देन प्रेज एंड वर्शिप बाय नेलिशा, एंड उसके बाद में हम लोग हीलिंग प्रेयर्स में जाएंगे, एंड उसके बाद में हमारा वर्ड ऑफ गॉड का सेशन होगा, एंड देन कॉन्ग्रीगेशन के लिए टाइम होगा जहां पे वो अपनी टेस्टिमनीज और गवाहियों को लेके आ सकते हैं, देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड सेरेमनी। यहाँ बैठे सभी लोगों में जिसकी भी परमेश्वर इस समय अगुवाई करना कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ कह रही हो, अपने माइक को कैमरे को खोल के आज की ओपनिंग प्रेयर कर सकते हैं। चलिए मैं दुआ में अगुवाई करता हूँ। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु यीशु नासरी। इस वक्त परमेश्वर हम एक बार फिर से अपनी निगाहों को स्वर्ग की ओर लगाते हैं, अपने दोनों हाथों को स्वर्गीय सिंहासन की ओर उठाते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं इस पूरी प्रेजेंट वर्शिप में। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आप हमारे मध्य में आइए और इस प्रेजेंट वर्शिप के दौरान हमारे बीच में उपस्थित रहिए। परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु नासरी आप पवित्र आत्मा का मसा दीजिए। परमेश्वर आप अपने लहू में छिपाइए। परमेश्वर हर एक डिवाइस को, हर एक इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक मोबाइल को, हर एक टैबलेट को, परमेश्वर हर एक लैपटॉप को परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में सील करते हैं परमेश्वर, ताकि हम जिस वक्त इस प्रेजन वर्शिप करते हैं परमेश्वर, वचन को सुनते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं परमेश्वर, सब कुछ स्मूथ तरीके से चलने वाला हो सके। अंधकार की हर एक ताकत को, हर एक शक्ति को प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से घुड़कते हैं। आई रिब्यूक एवरी डार्क स्ट्रॉन्ग एंड पार्स प्रभु यीशु मसीह, जो इस वक्त हमारे इस प्रेजेंट वर्शिप में अगर वो इंटरफेयर करती हैं परमेश्वर, आपके लहू से झड़कते हैं परमेश्वर, आपके नाम से डांटते हैं और भगाते हैं परमेश्वर। आप हमारे साथ हो, हम सबके साथ हो परमेश्वर। वचन का सुना जाना, गीतों का गाया जाना परमेश्वर आपको पसंद आने वाला हो, ना कि किसी मनुष्य को परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं और इस प्रेजेंट वर्शिप और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि निलिशा आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था
खाली लूने से चला उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली लूने से चला उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयजयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयजयकार, जयजयकार जयजयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया तूने ही है किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया तूने ही है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपने दिल से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दुनिया गवाई तेरे जी उठने की। अपने रू से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दुनिया गवाई तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मैं दूसरा गीत गाऊंगी तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लूया हाले लूया हाले लू हाले हाले से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हाले
जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दबागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने दबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जय मसीह की। थैंक यू सो मच निलिशा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। एंड हम इस प्रेज एंड वर्शिप में आज की शाम में आगे बढ़ते हैं, और ये वो समय होगा कि पूरे वीक, ड्यूरिंग द वीक, हमारे पास में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, हम उन सब के लिए प्रेयर करें एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन चर्च, एज एन इंटायर ग्रुप। सो देर आर सम हीलिंग प्रेयर रिक्वेस्ट, some testimonies and some thanksgiving. So I'll read, and then after I'll request Dr. Shakuntala David. She is with us and she'll lead in chahe karna ho to ye dawa ke ye khol de ha ha hamara photo aa jayega jab wo camera kahegi khol de abhi to meri awaaz aa rahi hai so for healing request Mrs. Raj Khan, she is not well and her age is around 75 year and she is down. She was rather than down with the fever. Now things are in control. And I'll request if someone is talking, then can mute him or herself. Then second request is Mrs. Snehlata Massey. Praise the God. She has come back after COVID, and now there are some COVID complications. So we have to remember her in our prayers. Now, prayer for Romila David. She is from Lucknow, and she got diagnosed with cirrhosis of liver. हमें इनके लिए दुआएं करनी हैं. And Miss Sarita, she is suffering from viral fever. And then Mr. Antim, he is suffering from cancer, and इनके तीन कीमोज हो चुके हैं. And आजकल कुछ फीवर है because of urine infection. Then Mr. Steve requested for Mrs. Steve. She is suffering from uric acid, and he has also requested for his son baptism. Daughter is looking for admission in St. Agony Convent. So हमें इन रिक्वेस्ट को भी अपनी दुआओं में याद रखना है. And then Reverend Chandy has requested for inspiration and enabling grace to finish his expository commentary on the book of revolution. So hum parmeshwar ka dhanyawad denge ki ye request hamare paas mein hai. And yes, there is one big thanksgiving simultaneously prayer request as well from Mr. Vijay Kumar. He is from Chennai, and his wife Grace had a heart attack recently, and they never knew that there are 100% blockage in the arteries. But yes, this is the glory to God, and praise to God ki after angioplasty everything is fit and fine. And the family is leaving for Dubai for his daughter.
सो हमें उनको भी अपनी दुआओं में याद रखना है. सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शकुंतला डेविड कि आप हमारी दुआ में अगुवाई करें. थैंक यू आशीष. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर के नजदीकी में लाएं. ओ जीसस, तू यहोवा, तू हमारी जरूरतों को जानता है. जीसस, आज की शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जीसस कि तू हम सब को इकट्ठा किया एक परिवार के रूप में. जीसस, तूने ये मिनिस्ट्री दी है, होल्ड योर क्रॉस जीसस. हम सब अपनी तलीबों को उठाए हैं, पकड़े हैं खुदा बाप, और तेरे विश्वास में आगे बढ़ते हैं कि जीसस तू हमें, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं. जीसस, तूने हमें बहुत सी मारामारी से बचा के रखा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं. जीसस, हमारे दिल धन शुक्र से, धन्यवाद से भरे हुए हैं क्योंकि तूने हमें जिंदों की जमीन में रखा, जबकि हमारे बहुत से अजीजों को तू अपने पास ले गया जीसस. और आज की शाम जब हम इकट्ठा हुए हैं विश्वास में इकट्ठा हुए कि तू ही हमारा जीवन खुदा है, तू ही जो हमें चंगा करने वाला है. बच्चे ने जितने खूबसूरती से गाया जीसस, उसका हर एक शब्द मीनिंग वाला है जीसस, कि तू ही हमारा यहोवा है, तू ही हमारे लाजरस को जिंदा करा, तू ही हजारों लोगों को तूने चंगाई दी जब तू जिंदा था जीसस. और आज हमारा विश्वास है 2000 साल बाद भी कि तू हमें देख ही लेगा हमारी तरफ, तो हमारे सारे दुख खराब खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी. खुदा, आप तेरे से करुणा की भीख मांगते हैं हम इस शाम को कि तू हम सबों के साथ हो, एक एक लोग जो जुड़े हुए हैं उनके साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं खुदा आप उनके साथ भी हो, उनको आशीष दे, उनकी हर जरूरतों को, हर कठिनाई को, हर मुश्किलात को दूर कर. और खुदा बाप, ये मिनिस्ट्री जो एक हीलिंग मिनिस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश हुई है, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मिसेस विजय को, खुदा बाप, मिस्टर विजय की वाइफ ग्रेस को तूने खुदा बाप 100% जो ब्लॉकेज था उससे शिफा दी. ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ तू ही कर सकता है जीसस. इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, तेरी महिमा हो जीसस, तेरे नाम की का जलाल जाहिर हो खुदा बाप. तू चमत्कार कर हम लोगों के जीवनों में ताकि हम तेरे नाम के कहला सकें, ताकि हम वो चमत्कार देख सके खुदा बाप. जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बीमारों की सेवा करते हैं जीसस, उनके साथ हो, उनको बुद्धि दे, उनको शक्ति दे इस महामारी के टाइम में वो बीच में है लोग. स्पेशली दीप्ति के लिए दुआ करते हैं जब वो घर से जाती है और हजारों लोगों की सेवा करती है. जीसस, तू अपने प्यार का, अपने वो तू ही, तेरी दुआ ही पीपीई किट है जीसस उसके साथ, और जितने भी नर्सेस और डॉक्टर्स हैं जिस भी हॉस्पिटल में है खुदा बाप, उनको तुमने चुना है अपनी सेविकाएं के लिए, हीलिंग के लिए चुना है खुदा बाप, उनके साथ हो. आज शाम को हम स्पेशली दुआओं की रिक्वेस्ट लेके तेरे पास आते हैं, तेरे पैर छूते हैं, तुझसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और अपने लहू से इनको चंगा कर. जीसस, सबसे ज्यादा दुआ शुक्र करते हैं कि तूने स्नेह को वापस लाया जीसस. इतने दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद, इतने दिन कोविड से लड़ने के बाद, तूने खुदा बा हम उसको जिंदों की जमीन पे रखा, उसको हर रोज शिफा दे जीसस, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दे, उसके बच्चों को खुदा बाप जलाल दिखा, उसके जरिए से अपना जलाल जाहिर कर जीसस. खुदा, तूने उसको अच्छा रखा है जीसस, तूने उसको अच्छा रखा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं जीसस. इतने टाइम राज खान के फीवर के लिए दुआ करते हैं कि खुदा बाप तू जरूर मिसेस खान को बिल्कुल शिफा देगा, उनके बुखार को छुएगा, इस बुढ़ापे में उनका साथ देगा खुदा बाप. खुदा बाप, तू जानता है उनके हर दुख तकलीफ को, उनकी कमजोरी को, तू अपनी मर्जी के माफिक खुदा बाप उनको चंगा कर, उनको चला खुदा बाप. रामला के साथ तेरे सामने लाते हैं खुदा बाप, तू जानता है उसकी बीमारी क्यों हुई, इतने लोगों को छूने के बाद तूने बुला लिया, लेकिन अब तूने उसको रखा है इस धरती पे जीसस, इस दुनिया में रखा है, शांति के लिए रखा, परिवार के लिए रखा है. खुदा बाप, तू देख लेगा, तू अपने हाथों से छू लेगा, तो जो डॉक्टर कह रहा है वो सब कुछ खुदा बाप नेगेटिव हो जाएगा और सारा कुछ तेरी जलाल से हील हो जाएगा. उसके लिवर को छू और कंप्लीट हीलिंग दे जीसस. जब वो 25 को जाती है ये अपनी अपने रिव्यू के लिए, तो डॉक्टर कहेगी ये तो चमत्कार हुआ, उस चमत्कार के लिए हम वेट करते हैं तेरे लिए खुदा बाप, तेरे पैरों में झुकते हैं और मांगते हैं कि तू उन्हें कंप्लीट चंगाई दे जीसस. तू ही जीवन देने वाला है. और खुदा बाप, जितना भी लोग हम सब जुड़े हैं हम सबों के साथ, तो लोग वायरल से परेशान है, एक के बाद एक हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं,
जीसस सरिता के साथ हो, उसकी वायरल फीवर को दूर कर जीसस, हर मुश्किल से दूर कर, जो यूरिक एसिड से स्टीव परेशान है खुदावा उसको बैलेंस कर दे उनके शरीर में खुदावा, अंतिम के साथ हो, तीन कीमोथेरेपी हो चुकी हैं, अब खुदावा उसको शरीर में ताकत दे, चंगाई दे, हीलिंग दे खुदावा, हम सब तेरे नाम के हैं और तेरे पास आते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि तू ही हमारा पाप है, दुनिया छोड़ देगी लेकिन तू नहीं छोड़ेगा, डॉक्टर्स जवाब दे देंगे लेकिन तू जवाब नहीं देगा, हमें ऐसा विश्वास है, तूने चमत्कार किया है हमारे जिंदगियों में खुदा बाप, जो भी हमारी गलतियां हैं, हमारे गुनाह हैं, उनको माफ कर जीसस, और हम सबों को चंगाई दे, इस हीलिंग मिनिस्ट्री द्वारा बहुत से लोग जो है जीसस शिफा पाए और तेरे नाम का जलाल हो। आशीष शालिनी जब ये मिनिस्ट्री चला रहे हैं खुदा बाप, इनकी हर आवश्यकता को, हर जरूरत को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा कर, और खुदा बाप इनको इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए, अपने किंगडम के लिए इनको इस्तेमाल कर, इनकी पैरवाई कर जीसस, इनकी हर कठिनाई को दूर कर, और हम खुदा बाप जब यहाँ पे जुड़े हैं तो उससे मांगते हैं कि खुदा बाप हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे, आगे बढ़ने की शक्ति दे, गुरु चांदी के लिए दुआ करते हैं कि इस बीमारी में भी खुदा बाप वो तेरे से जुड़े हुए हैं और एक नया प्रस्पेक्टिव अपनी लिखाई के द्वारा दुनिया के सामने लाने चाहते हैं खुदा बाप, उनके हर दिन हम सबों का गिना हुआ है और उनके भी दिन गिने हुए हैं, लेकिन जो काम उन्होंने तूने उनको सौंपा है काश कि वो काम पूरा हो, रोशनी के साथ हो उन, ताकि रोशनी और वो एक साथ एक दूसरे का सहारा बन के जी सकें, हम सबों के साथ है, हमारे आंसुओं को पूछ पहुंच जीसस, जो हम गमजदा हैं खुदा बाप, अंकल सिसिल के लिए, दीप्ति के लिए, आंटी के लिए, रोमेला के लिए, शांति के लिए, मेरे लिए और बहुत से लोग जिनके अपने अजीज को तूने बुला लिया है जीसस, हमारे आंसुओं को पोंछ, हमको वो सब्र तसल्ली दे जो दुनिया नहीं दे सकती, और हमको ये यकीन दिला कि हमारे अजीज तेरे पास हैं, लेकिन हम इंसान हैं जीसस और हम गम से भरे हुए हैं, हमारे गमों पे अपना हाथ रख और हमें शक्ति दे दुनिया को फेस करने की खुदा बाप, जो हम ये बार बार सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है खुदा बाप, ये प्याला टाल जाए जीसस, दुनिया को हील कर, हमारे परिवारों को हील कर, हमारी कलीसिया को हील कर, हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे शहर, इस देश को, इस दुनिया को हील कर जीसस, हमारे गुनाहों को माफ कर खुदा बाप, ये प्याला ना आए फिर से खुदा बाप, जो लीडरशिप में है उनके लिए दुआ करते हैं, अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी लोगों अधिकारी हैं जीसस, उनको तो समझ बुद्धि दे कि अपने लोगों को लीड कर सके, और हम सबों के साथ हो जीसस, हमको फरमान बरदार बना, हमारी हर घटी कमी को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा कर, और जीसस आज जो कलाम लेके आने वाले हैं भाई खुदा बाप, वो नहीं बल्कि तू उनके द्वारा होके बोल, हम सबों के दिलों को इस तू छू, ताकि हम सब खुदा बाप तेरे हुजूर में आ सके, तेरा वचन समझ सके, तेरी आवाज सुन सके और आशीषित हो सके, हम सब कुछ तेरे हाथ में बांधते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि हम सबों के साथ हो, हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, इस शाम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस छोटी सी हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच दी। अब हम परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में अपने इस आज की प्रेयर मीटिंग के नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ेंगे, जहां पे हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे और परमेश्वर की उस आज्ञा को समझने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में कि यस परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाह रहा है और आज हमें क्या बताने वाला है। सो हमारे बीच में ब्रदर नेमिया चिराग बैकन है, मैं स्वागत करता हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रदर आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं, एंड ब्रदर नेमिया ही इज वर्किंग विद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली विद वाइफ एंड वन सन, एंड ही हैज ऑल्सो होल्ड वन मिनिस्ट्री बर्डन फॉर यूथ्स प्रेयर मिनिस्ट्री, नॉट अ फॉर्मल वन बट यस हैव बर्डन टू प्रे फॉर पीपल एंड मेनी आर कनेक्टेड थ्रू दिस प्रेयर मिनिस्ट्री। So I'll request and welcome Brother Nehemiah. आगे का पूरा समय आपके पास में है, आप Word of God में हमारी अगुवाई करें। Thank you. Okay. Thank you, brother. Thank you so much. इस खूबसूरती के साथ जो आपने बोला, so thank you so much. God bless you and your ministry and your family.
और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आज इस शाम के लिए कि ये मौका मिला परमेश्वर की ओर से इस मिनिस्ट्री के द्वारा कि आज का शाम में आपके साथ जुड़ सकूं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। मेरा नाम नेहमाया चिराग बेकन है, मैं गाजियाबाद से हूं और जैसा भाई ने बताया मैं दिल्ली में काम करता हूं और साथ में परमेश्वर ने एक बोझ दिया है। परमेश्वर ने मेनली फॉर द यूथ्स, जवानों के लिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और बहुत से लोग जुड़े हैं इस प्रार्थना के द्वारा, बहुत से लोग से जुड़ा हूं और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करता हूं और यही प्रार्थना होता है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, जिस चमत्कार को या जिस परमेश्वर के उस आनंद को मैंने अपने जीवन में महसूस किया, वो आनंद परमेश्वर के उस आनंद को वो लोग भी महसूस कर सकें। मैं जल्दी से एक गाना गाना चाहता हूँ, I'll sing a song और उसके बाद फिर then we will go forward in the word of God। ये गाना है मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे तेरे बिन पर मैं देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। बढ़ते जीवन जाए तू रहे ना तो, बढ़ते जीवन मुर जाए तू रहे ना तो। तेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है, तेरे जीवन में तेरे जरूरत है। भटकूं तो मैं कहां जाऊं, तेरा तूने जो है दर्शन मांगूं पल पल तेरे नंग इस दिल से। भटकूं तो मैं कहां जाऊं, तेरा तूने जो है दर्शन मांगूं पल पल तेरे नंग इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाम पे मुझको शुद्ध कर दे, तेरे लहू के पाक बहाम पे मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रशंसा रहे, इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रशंसा रहे। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो और उसकी महिमा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आज एक बार फिर से उस जिंदा परमेश्वर का जिसने आपको और मुझे इस जमीन पर जिंदा रखा है, अच्छी तबीयत में रखा है, अच्छी सामर्थ में, उसके आनंद में रखा है, उसके प्रेम में और उसकी शांति में हमें रखा है। मैं आपके साथ आज जो वचन बांटना चाहता हूँ उसका जो टॉपिक है वो है स्टेइंग फर्म इन डिफिकल्ट टाइम्स, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट टाइम्स। और मेरे साथ एक वचन को निकाले जो कि बहुत बहुत बार हमने पढ़ा होगा, बहुत बार हमने पढ़ा होगा और मैं आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 23 और उसका चौथा अध्याय, साम 23 एंड वर्स 4, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ, आई फियर नो ईविल फॉर यू आर विद मी एंड योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए, परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद। एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस वर्ड, इस वचन के लिए, इस प्रॉमिस के लिए जो परमेश्वर इस प्रॉमिस में हमें दे रहा है, जो सबसे खूबसूरत बात इस वचन में है, दैट यू आर नॉट स्टक इन दैट वैली। हालेलुया, यू आर गोइंग थ्रू दैट वैली, इवन इफ आई गो थ्रू दैट वैली, through that valley, that means that you are not stuck anywhere, आप कहीं रुके नहीं है, आप कहीं थमे नहीं है, आप कहीं फंसे नहीं है, you are going through that valley, आप उस भरी हुई उस घोर अंधकार की तराई से होकर जा रहे हैं, you are going through that valley, you are not stuck anywhere, and God is there, and that's why David is saying, the psalmist here, जो भजन को लिखने वाला दाऊद इस बात को बोल रहा है कि मैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, मैं किसी भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, आज इस शाम में मुझे भी और आपको भी इस बात को अपने अंदर एकदम बैठा लेना है, दिल में बैठा लेना है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, अगर चाहे मैं घोर अंधकार से आज होकर जा रहा हूं, किसी तराई में से होकर जा रहा हूं, किसी डिसअपॉइंटमेंट में से होकर जा रहा हूं, किसी टेम्पटेशंस में से होकर जा रहा हूं, किसी मुश्किल से, तकलीफ से, बीमारी में होकर जा रहा हूं, लॉर्ड यू आर विद मी, आई नो दैट। हालेलुया, आई फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आई फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, गॉड इज विद यू, गॉड इज विद मी। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर वचन कहता है रोमियो 8:31 में, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस। परमेश्वर मैं आप लोग, परमेश्वर इतना महान, इतना उसका प्रेम हमारे लिए खत्म नहीं होता है ना। परमेश्वर चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, कोई भी परिस्थिति में, परमेश्वर का हमारे लिए जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है। इट्स नॉट कि उसने एक बार उस क्रूस पर अपनी जान को दिया, पुनरुत्थान का कार्य को किया और उसका प्रेम वहीं खत्म हो गया, नहीं, उसका प्रेम उसके बाद और हमारे लिए बढ़ गया। उस प्रेम के लिए ही वो आज हम इस दुनिया में आया, इस संसार में आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पौलुस एक बहुत अच्छी बात को बोलता है फिलिपियों उसके चौथे अध्याय उसके 1-3 में, वहां पर वो दो चीजों को एक चीज को बोल रहे हैं, टू स्टैंड फास्ट एंड टू स्टैंड इन यूनिटी। हालेलुया, टू स्टैंड फास्ट, टू स्टैंड फर्म एंड टू स्टैंड यूनिटी इन हिज वर्ड, है ना। परमेश्वर बहुत बहुत महान है, वी ऑल हु बिलीव्स। आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं, आपको लगेगा ये क्यों खूबसूरत बात है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वी ऑल हु बिलीव्स ऑन हिम, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, देयर इज एन अनअवॉइडेबल बैटल व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट अस। हालेलुया, और सबसे इससे भी खूबसूरत बात क्या है कि परमेश्वर ने इस संसार को हमारे लिए जीत लिया है। हालेलुया, ही सेड आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड फॉर यू, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड फॉर यू। तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम स्ट्रगल कर सकते हो, तुम्हें ट्रिबुलेशन हो सकता है, बहुत कुछ होगा, बट डोंट वरी, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द होली स्पिरिट इज विद अस, ही इज आवर हेल्पर, ही इज आवर कंफर्टर। ओके, मैं एक बात को एक प्रभु के दास का एक वचन सुन रहा था और मैं उस बात को आपके साथ जरूर बांटना चाहूंगा। उन्होंने बोला, जब हम इस बात को अंगीकार करते, जब इस बात को हम बोलते हैं, माय बॉडी इज अ टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट, यस अ बॉडी इज अ टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट,
तो बॉडी में वी हैव आईज, वी हैव ईयर्स, हमारा माउथ, हमारी जबान, हमारा सर, हमारा हाथ, हमारे पैर. सो ये आंख भी पवित्र आत्मा की आंख है, ये जबान भी पवित्र आत्मा की जबान है, ये कान भी पवित्र आत्मा के हैं, ये चेहरा, ये मेरे हाथ, मेरे पैर भी पवित्र आत्मा के हैं. इट्स नॉट मी, इट्स अ होली स्पिरिट. हालेलुया. मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करना चाहता हूं. और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, स्टेइंग फर्म इन द डिफिकल्ट टाइम, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन द डिफिकल्ट टाइम. इवन दो हम निराश भी हुए, हमने आंसुओं को भी बहाया, हमने बहुत सी परेशानियों को भी देखा, मगर परमेश्वर ने उन सब चीजों के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें निकाला. मैं 2017 में मेरी जॉब चली गया, और उसके बाद एक साल, ऑलमोस्ट वन ईयर, 11 मंथ्स मेरे पास जॉब नहीं था. और मैंने उस 11 मंथ्स में बहुत जगह जॉब्स भरा, बहुत जगह इंटरव्यूज दिया, बट कहीं नहीं होता था. और उस 11 महीने में परमेश्वर ने हमारी हर जरूरत को पूरा किया. हम एक रेंटेड होम में रहते हैं, परमेश्वर ने हर महीने का हमें रेंट प्रोवाइड किया, हर दिन की एक्सपेंसेस, एवरीडे एक्सपेंसेस, एवरी मंथली एक्सपेंसेस, हमारा हर चीज कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन 11 महीनों में अपने उस महिमा को दिखाया. यू नो, ही शोड हिज ग्लोरी, ही शोड हिज लव. और उन 11 महीनों में परमेश्वर ने हमें घुटनों पे लाकर सिखाया कि हमें घुटनों पे आना है, हमें सिखाया कि हमें घुटनों पे आना है, हमें सिखाया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. नो, यू हैव टू बी ऑन योर नीज एंड यू नीड टू ग्लोरिफाई, यू नीड टू लर्न. तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, तुम्हें ये बोलना पड़ेगा, ये अंगीकार करना पड़ेगा. इवन दो यू आर गोइंग टू दैट वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ, अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी जाओ, तो भी मैं ना डरूंगा. परमेश्वर ने इस वचन को सिखाया, परमेश्वर ने बताया, सिखाया और दर्शाया भी. और उन 11 महीनों में परमेश्वर ने किसी बात की हमें कमी नहीं आने दी, हमें कोई बात की कोई कमी नहीं आने दी. हमने परमेश्वर से यही प्रार्थना है, परमेश्वर आप हमें शर्मसार नहीं होने देना. परमेश्वर हमने आप पर विश्वास किया है, परमेश्वर हमने आप, हम आपकी ओर देख रहे हैं, परमेश्वर हम आपकी ओर निहार रहे हैं. परमेश्वर आप हमें शर्मसार नहीं होने देना. और आज मैं यही आपके साथ बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपके साथ है. परमेश्वर आपके, आपकी ओर है. आपको, आपके विश्वास को कभी भी वो शर्मसार नहीं देगा. आपके विश्वास को ऑनर करता है परमेश्वर. आप जो विश्वास दिखाएंगे, मेक योर फेथ विजिबल टू हिम. हालेलुया, मेक योर फेथ विजिबल टू हिम. परमेश्वर ने जब उन 11 महीनों में हमें कोई बात की कमी नहीं आने दिया, किसी बात की भी कमी आने नहीं दिया. हालेलुया, हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा, परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा, परमेश्वर की ओर देखना सीखा. चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे. 5 साल हमारी शादी को, 5 साल 2015 में आई गॉट मैरिड, एंड फॉर होल 5 ईयर्स वी बीन, यू नो, हम परमेश्वर से, हम एक बच्चे की प्रार्थना कर रहे थे, एक बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे थे. और परमेश्वर ने इन 5 सालों में, हम बहुत बार निराश हुए, सही में बताऊं, बहुत बार. और एक वक्त ऐसा आया 2020 में, लास्ट ईयर, जब एक ऐसा वक्त आया जब रात में मेरी एकदम से आंख खुली और मैं देखा कि मेरी पत्नी रो रही है बैठ के. और मैं उसको देखने लगा और मैंने एकदम से बोला, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? और उसने मुझे शेयर किया कि मुझे ये इस बात का एक यू नो पेन हो रहा है अंदर, कि हम इतना क्यों, ऐसा क्यों हमारे साथ, यू नो, वेट कर रहे हैं. और मैंने उसको इनकरेज किया, परमेश्वर के वचन से इनकरेज किया. पर हमने उसी समय बैठ के प्रार्थना किया, एंड वी सैट टुगेदर, वी प्रेड एंड वी सेड, लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी फॉर दिस पेन आल्सो. हालांकि मुझे भी बहुत पेन हो रहा था, व्हेन आई वाज, यू नो, मुझे उसको देख के मुझे बहुत पेन हुआ. मुझे भी पेन होता था, मुझे भी पेन हुआ, ऐसा नहीं, बट मैंने आई नेवर शोड. बट उस दिन जब रात में, मुझे याद है आज भी वो रात, जुलाई का महीना था, जुलाई अगस्त का महीना था. और बहुत बहुत उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अंदर से बुरा लगा. और परमेश्वर ने मुझे एक वचन याद दिलाया, जहाँ पे उसने बोला, इज़ाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया था,
है ना। और फिर परमेश्वर ने अपनी उसकी उस प्रार्थना को सुना और उसकी पत्नी को आशीषित किया। और मैं अपने घर की बालकनी में गया, वाइफ सो गई, मैं फिर उसके बाद मुझे नींद बहुत देर तक नहीं आया, मैं गया और बालकनी में जा खड़ा हुआ और मैंने अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाया, मैंने कहा परमेश्वर आप देख रहे हो, और मैंने अपने हाथ को जोड़ा और मैं परमेश्वर आप देख रहे हो, ये भी आपने आज देखा, आज ये भी रोना आपने देखा है, आज ये भी प्रार्थना आपने देखा और हमारा धन्यवाद भी आपने देखा। और मैंने कहा परमेश्वर अब नहीं, अब आप अपने कार्य को कीजिए, आप अपनी महिमा को दिखाएं। और अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी साल हमें अक्टूबर में मालूम चला, जब हमें मालूम चला, यू नो when we got to know that my wife is pregnant, it was already 1.5 months, डेढ़ महीना ऑलरेडी हो चुका था जब हमें मालूम चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। और परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे को, हमें एक बहुत अच्छे बच्चे को परमेश्वर ने हमें आशीषित किया इस साल मई में, परमेश्वर के उस अनुग्रह को दिया, परमेश्वर की उस आशीष को दिया, उस आशीष को रिलीज किया, परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर ने उस आशीष को हमें रिलीज किया, उसके लिए हम आपको हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो मैं इन गवाहियों को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत विश्वासयोग्य परमेश्वर है। He is a faithful God. He is a God who keeps his promise, and he is a God who knows how to keep his promises. वो परमेश्वर जानता है कि अपने 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 उन promises को कैसे रखना है, उन promises को कैसे आगे fulfill करना है, ना? परमेश्वर वचन कहता है यशाया में कि वो मनुष्य क्या वो झूठ बोले? क्या वो मनुष्य है कि अपनी बातों से मुखर जाए? वो मनुष्य नहीं जो अपनी बातों से मुखरे, है ना? परमेश्वर है वो, और वो अपने हर एक कहे हुए वचन को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। हमारा वचन पढ़ना, हमारा वचन को पढ़ना वचन को सच्चा नहीं बनाता, वो हमारे पढ़ने से पहले वचन सच्चा है। हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चा सत्य परमेश्वर। परमेश्वर वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप जितना इस सत्य को जानोगे, जितना परमेश्वर के वचन में आप डीप जाओगे, आप जितना परमेश्वर के वचन को थामोगे, उतना सत्य आपको स्वतंत्र करता चला जाएगा। हालेलुया, ही इज अ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है यहूना में, पहले अध्याय में वो कहता है कि जो वचन था वो देदारी हुआ, यहूना में वचन देदारी हुआ। देदारी कौन हुआ? यीशु मसीह, ही इज अ वर्ड, जीसस इज द वर्ड। हालेलुया, आज ये जो वचन है यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह आज मेरे अंदर है, मैं कहता हूं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन मी, दैट मींस दैट लॉर्ड जीसस इज लिविंग in me, inside of me, वो मेरे अंदर है, उसका वचन मेरे अंदर है। इसका मतलब क्या है? कि वो वचन मेरे जीवन में फुलफिल होना शुरू हो जाएगा जब हम परमेश्वर के साथ थमे रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, staying strong and firm in the difficult times, in any time of our life। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी? अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा। और आज वो वचन कहाँ है? हमारे अंदर, इन अ स्पिरिट। हालेलुया, एंड एज वी डिक्लेयर हिज प्रॉमिसेस, एज वी डिक्लेयर द लिविंग प्रॉमिसेस ऑफ द लिविंग गॉड, द लिविंग प्रॉमिसेस गेट्स लाइफ इन अ लाइफ, यू नो, गेट्स लाइफ, वो जीवन मिल जाता है उन प्रॉमिसेस को। हालेलुया, मेरे साथ निकालें एक वचन, दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय, दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय और उसका 10-15 में जल्दी से पढ़ूंगा वहां पर। इस दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय और उसकी 10-15 पर, तूने उपदेश, चाल चलन, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। यहाँ पौलुस इस बात को बोल रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकनियस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। एक्सपेक्ट द परसिक्यूशन, डू नॉट थिंक दैट यू विल, यू नो, कि परसिक्यूशन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सताव आएगा। ये क्या लिखा है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मगर उससे पहले परमेश्वर ने क्या लिखा है 11वें की, परम प्रभु ने मुझे उन, पौलुस को क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है उसने मुझे सबसे सब बातों से छुड़ा लिया। 13वीं आयत, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे। हालेलुया,
कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। एक्सपेक्ट द परसिक्यूशन, एक्सपेक्ट द डिफिकल्ट टाइम्स। परमेश्वर इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि एक्सपेक्ट द डिफिकल्ट टाइम्स, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक्सपेक्ट एवरीथिंग बट नो दिस ऑल्सो गॉड इज अ लिविंग गॉड, जीसस इज देयर, ही इज अ कंफर्टर। वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर, वो आपको छुड़ाने वाला है। आपको किसी और की ओर नहीं देखना। परमेश्वर इतना महान है और उसका प्रेम इतना इतना गहरा है कि हम नहीं समझ सकते, है ना? हर दिन हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है, हर दिन हमें परमेश्वर की ओर देखना है, उसके दिल को जानना है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, एक प्रभु के दास, उनसे बात कर रहा था, वो बैंगलोर में रहते हैं, और उनसे मैंने बात किया और उन्होंने बोला कि चिराग, व्हेन यू प्रे, यू नो, गुड दैट यू आर प्रेइंग फॉर पीपल, गुड दैट यू आर प्रेइंग फॉर सो मेनी थिंग्स, बट यू नो, प्रे टू नो व्हाट गॉड हैज इन हिज हार्ट। ये भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके दिल में क्या है। एंड यू नो द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट गॉड्स हार्ट इज ही हैज एवरीथिंग बेस्ट फॉर अस। हर दिन उसके दिल में हमारे लिए एक अच्छी चीज है। आज जितने भी हम जुड़े हैं, जितने भी आज हम इस फेलोशिप में हैं, मैं आपको एक बात का एक बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूं। यू नो गॉड हैज बेस्ट फॉर यू, ही हैज बेस्ट थिंग फॉर यू। परमेश्वर की योजनाएं लाभ की हैं, परंतु सब टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, नो इश्यूज इन दैट। यस यस ब्रदर, या सो फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई मेक फॉर यू इज टू प्रॉस्पर एंड नॉट फॉर एनी हार्मनेस। परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर के इस वचन को थामे, परमेश्वर को जाने और समझे और उसके साथ चलते रहे। ये दृढ़ करें आज इस शाम में दृढ़ करें कि परमेश्वर, मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा, मैं आपके वचन के अनुसार आगे इस जीवन में बढ़ूंगा। आज इस शाम अगर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी तकलीफ, कोई भी ऐसा विचार जो आपको परेशान करता है, जो आपको तकलीफ में डालता है, जो आपके जीवन में डिस्करेजमेंट लेकर आता है, जो आपके जीवन में डिप्रेशन को लेकर आता है, कोई भी ऐसी बात, आज उसको जड़ सहित उखाड़े, वचन के अनुसार उखाड़े, वचन के साथ उखाड़े, वचन में होकर उखाड़े। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बिना, कोई भी फल नहीं ला सकते उसके बिना, कोई भी हम फल नहीं ला सकते। यूहन्ना उसका 15 उसका 5 कहता है कि हम उसके बिना कोई भी फल नहीं ला सकते। उसके वो क्या है, हमारी दाखलता है और हम उसकी डाली हैं, हम उसमें बने रहे और वो हम में बना रहे। उसका वचन हम में बना हुआ बहुत जरूरी है अजीजों, उसका जो वचन है वो हम में बना हुआ बहुत जरूरी है। वो अगर हम में नहीं है, हम उसमें नहीं है, तो हम कोई पल नहीं ला सकते। अगर दाखलता से अगर वो डाली टूट जाए, डाली अगर आपने देखा होगा पेड़ से डालियां टूटती हैं, वो जमीन पर गिर जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, उसको लोग बिन के ले जाते हैं और आग में झोंक देते हैं, उसको किस दूसरे यूज में ले आते हैं। हमें वैसा नहीं बनना, हमें फल लाना है, परमेश्वर के द्वारा उन फलों को लेकर आना है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा फल लेकर आना है। एक और बात पौलुस इस बात को बोलता है पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय उसकी 8 और 9 में कि बी सोबर एंड अलर्ट, बी विजिलेंट, बिकॉज तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारा जो एनिमी है, इट्स लाइक अ रोरिंग लॉयन, वो फाड़ खाने के लिए तैयार है, मगर बी सोबर एंड अलर्ट। मगर उसके बाद एक बात को लिखा है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, रेजिस्ट एंड स्टैंड फर्म। अगर आप इस वचन को पढ़ें, आप बाद में पढ़ सकते हैं इस वचन को, पहला पत्रस 5:8-9, बी सोबर एंड अलर्ट, बी विजिलेंट। बहुत से ट्रांसलेशन में लिखा है बी विजिलेंट अबाउट, यू नो, बी अलर्ट, बी विजिलेंट, हमें बिल्कुल चौकस रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल चौकस, एकदम अलर्ट होके बैठना है अपने आत्मिक जीवन में कि क्या, कहां पर वो हमारा जो शत्रु है, कहां पर वो जो दुष्ट है, वो हमारे हमारे विचारों के साथ खेल रहा है। यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम
The biggest thing that we all battle is in our mind. हमारा जो सबसे पहला जो युद्ध है वो हमारी दिमाग में. आज आज हमारे आज 60-70% of the battle जो हमारा चल रहा है जीवन में आज हमारे दिमाग में चल रहा है. Be sober and alert. Be vigilant. आप कौन से विचारों को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अलाउ कर रहे हो? कौन से विचारों को अलाउ कर रहे हो? कौन सी बातों को अलाउ कर रहे हो? Your eyes are the eyes of the Holy Spirit, not your eyes. Your ears are not your ears, but the ears of the Holy Spirit. So what you are allowing through your eyes to see and what you are allowing into your ears to know what you are hearing, what you are speaking out of your tongue. क्या आप अपनी जबान से बोल रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप आंखों से देख रहे हैं? Be sober and alert. Be vigilant about it. बहुत चौकस रहना है हमें, बहुत चौकस रहना है. But resist the devil. आप जब उस बात को रोक देंगे वहीं पर, वो वहीं रुक जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वो आगे नहीं बढ़ेगी. कोई भी ऐसा विचार जो आपके जीवन में आज आपको खराब करता है, परमेश्वर वचन कहता है कुरिन्थियों में दसवें अध्याय में कि वो सारी कल्पनाएं और ऊंची बात जो परमेश्वर आपकी पहचान के विरुद्ध उठती है, मैं उनको अब भी खंडन करता हूं और सारी भावनाओं को मसीह में कैद करके आज्ञाकारी बना. दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय अगर आप निकालें और मेरे साथ पढ़ें 4 और 5, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 4 और 5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. हालेलुया. 5वां, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. हालेलुया. आज आप अपने उस डिफिकल्ट टाइम में, कोई भी ऐसा टाइम में जो आप हैं, जो आपको लो फील कराता है या आपको डिस्करेज करता है, पुट दैट थॉट अंडर इन द नेम ऑफ जीसस अंडर योर फीट. परमेश्वर ने हमें एक अथॉरिटी दिया है अजीजों. लूका 10:19 के आप उसको पढ़ें. वो यूज दैट अथॉरिटी डेली इन योर लाइफ. लूक 10:19. Luke chapter 10 and verse 19. Use लूका 10 और उसकी 19वीं आयत को. इस अथॉरिटी को यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह ने आपको दिया है. ये हम सबको परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दिया है कि हम इस अथॉरिटी को यूज करें और इस अथॉरिटी को हर रोज हमें यूज करना है. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing will injure you. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. हालेलुया. किसी बात की भी कोई भी हानि आपके जीवन में नहीं आएगी. आप स्टार्ट यूजिंग दिस अथॉरिटी ओवर योर लाइफ, स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ. स्टार्ट, यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन दिस वर्ड ऑफ गॉड. आज आपको जो भी कुछ पर में आपका जीवन का किसी भी क्षेत्र का कोई भी नीड आपको है, हर चीज इस वचन में है. हर चीज इस जिंदा परमेश्वर के जिंदे वचन में है. ये वचन भी जिंदा है. हालेलुया. इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में छुटकारा है. अजीजो, यू नो, एक बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर ने सिखाई इन कुछ महीनों पहले, और वो ये थी कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, द प्रोसेस इज नॉट इजी, वेरी पेनफुल फॉर द मदर, वेरी पेनफुल. बट दैट पेन, उससे ऊपर एक और आशीष है उस पेन के बाद. हालेलुया. एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब अपने बच्चे को देखती है, जब उस आशीष को देखती है, वो सब पेन भूल जाती है ना? बिकॉज शी नोज वॉट इज द आउटकम आफ्टर दैट पेन. What is the result after that pain? उस दर्द के बाद क्या result है? Hallelujah. John, अगर आप मेरे साथ इस वचन को निकालें, ये वचन में ही है. यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसकी 20 से 22 पढ़ेंगे. यूहन्ना 16
और उसका 20 से 22 पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, हालेलुया, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। उसके बाद यीशु मसीह कह रहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, हालेलुया। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा, हालेलुया। स्टैंड फर्म इन द डिफिकल्ट टाइम्स, स्टैंड फर्म, स्टे स्ट्रॉन्ग इन द डिफिकल्ट टाइम्स विद दिस वर्ड, विद दिस लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर में आप बने रहो, परमेश्वर आप में बना रहे, आप उसकी डाली हो उसमें बने रहो, और आप जब उसमें बने रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे। यू नो व्हेन यू स्टैंड फर्म इन द वर्ड, व्हेन यू स्टैंड फर्म इन हिम, व्हाट हैपेंस, टेक आउट विद मी साम चैप्टर 1, भजन संहिता पहला अध्याय निकाले। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो व्हाट हैपेंस, साम चैप्टर 1 एंड वर्स 3, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में पलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सो यू आर लाइक द ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर व्हिच यील्ड्स इट फ्रूट्स इन इट्स सीजंस एंड इट्स लीव डज नॉट विदर, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उस पेड़ के पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जब आप परमेश्वर के वचन में बने हैं, जब आप परमेश्वर में बने हैं, व्हेन यू आर स्टैंडिंग स्टेइंग फर्म इन द डिफिकल्ट टाइम्स इन दिस थ्रू दिस वर्ड एंड इन दिस वर्ड, योर लीफ विल नॉट वदर, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, आप कभी नहीं मुरझाएंगे, आप अपने उन फलों को लेकर आएंगे, हालेलुया, अपने सीजन में। एवरी सीजन इज नॉट द सेम सीजन, गर्मी बरसात जाड़ा बारिश कभी नहीं रहता है, ऑल टेम्पररी सीजंस। Likewise, in your spiritual life, in your life, no season is permanent. No season is permanent and it will not stay for your whole life. It will change. It will change by the power of God. It will change through this word. It will change when you stand firm in the word of God. It will change when you stand and stay firm in the word of God. Parmeshwar aapke saath hai. Parmeshwar aapke un paristhitiyon mein aapke saath hai. आप परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं, ये आप आज खुद जाने, ये आप खुद परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना चाहता हूं। ही इज अ फेथफुल गॉड, अब उसकी फेथफुलनेस पे आप क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज फेथफुलनेस, ही इज ऑलवेज अ फेथफुल गॉड, बट स्टैंड फर्म एंड यू नो आस्क गॉड, परमेश्वर की उस सहायता को आज मांगे, आज की शाम में जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो परमेश्वर से उस प्रार्थना में आप खुद परमेश्वर से सहायता को मांगे, परमेश्वर से कहें परमेश्वर आप मेरे साथ खड़े रहिए, परमेश्वर आपके साथ में चलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बिगनिंग और एंड को जानता है, यू नो व्हाई, बिकॉज ही इज द बिगनिंग एंड ही इज द एंड, ही इज द बिगनिंग, ही इज द अल्फा एंड ही इज द ओमेगा, उसके पास सारे आंसर्स हैं, ही हैज ऑल द आंसर्स फॉर योर प्रेयर्स इन यस एंड आमेन, हां और आमीन में उसके पास है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आज इस शाम के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री और ब्रदर और आशीष और उनके पूरे परिवार का, इस मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने जरूर कार्य किया है, पवित्र आत्मा ने आपको जरूर छुआ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ अपने आप को खाली करके यीशु, अपने आप को शून्य करके यीशु आपके सामने आता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ आज इस वचन के लिए जो बीज आपने हमारे जीवनों में बोया, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, क्योंकि ये वचन जिंदा है और वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है यीशु मसीह, और इस वचन में उस सामर्थ उस जीवन को हम चाहते हैं परमेश्वर, और चाहते हैं हम आपके वचन के अनुसार चले यीशु, एंड लॉर्ड help us to stand firm in the difficult times, whatever it is, Lord, whatever the circumstances are, Lord, let it be the glory to you, Lord Jesus, let it be the glory to you, Jesus, let it become the glorification for you, Lord Jesus, parmeshwar wo aapki mahima ke liye ho jaye, parmeshwar wo aapke naam ke liye ho jaye, yeshu masih usin aapke naam ko hum uncha utha sake, parmeshwar is hold your cross ministry ko parmeshwar hum
आपके चरणों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने इस परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना है और परमेश्वर इस सभाओं के द्वारा, इस फेलोशिप्स के द्वारा, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सी आत्माओं को ये बचाने वाले ठहरेंगे परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नासी के नाम से मांग, आमेन। आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर नेहमिया इस सुंदर पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड के लिए और उस रिमाइंडर के लिए कि परमेश्वर ने, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट यस आई विल डेफिनेटली काउंट दोज नंबर, की जिस वक्त वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं उसके बाद से उन्होंने हर बार ये बोला है, डरो मत, मत डर, डरो मत, मत डर। सो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में कि हम उस परमेश्वर की तरफ देखते रहें और पीटर की तरह पानी पे चढ़ते रहें और परमेश्वर के करीब हम पहुंच जाएंगे। और जिस समय हमने दूसरी तरफ देखना शुरू किया, उन स्टॉर्म को देखना शुरू किया, हमारा डूबना तय होगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो और सारा ग्लोरी, सारा जलाल परमेश्वर को मिले। और अब ये वो समय होगा, एंड इनफैक्ट आप जब टेस्टिमनी दे रहे थे हमें भी अपना वो टाइम याद आ गया जब निलिशा का बर्थ था और प्रेगनेंसी टाइम था शालिनी जी का, एंड उससे पहले ये गवाही मैं दे चुका हूँ। इनफैक्ट वी गॉट मैरिड इन 2010 इन अक्टूबर एंड वी वर एक्सपेक्टिंग आवर बेबी इन लाइक कंसीव हो गया था और द सेम वेरी मच सेम ईयर, और क्रिसमस की सर्विस के लिए हम तैयार हो रहे थे एंड दैट मॉर्निंग मिसकैरेज होता है। बट हम उन सब चीजों से ऊपर उठ करके देर से ही चर्च पहुंचते हैं, लेकिन हम चर्च सर्विस हम अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद में टाइम रोटेट होता रहता है, लाइफ चलती रहती है एंड द डे अगेन कम और कंसीव का पता चलता है एंड आफ्टर थर्ड मंथ एक टेस्ट होता है, उस वो टेस्ट पॉजिटिव आता है एंड दैट टेस्ट शोज कि बेबी कैन बी एबनॉर्मल, मेंटली रिटार्डेड, बहुत सारी चीजें। एंड हम लोग भी डर जाते हैं एज एन वर्ल्डली पेरेंट एंड वी गॉट ऑल्सो स्केर्ड, बट यस डॉक्टर ने हमें एक तसल्ली दी कि नहीं अभी कुछ टेस्ट हैं हम उनको देखते हैं। फिर अपोलो दिल्ली में हमने कंसर्न करना शुरू किया, सारी चीजें हुई। ये सब प्रोसेस करते करते 3 months बीत चुके थे, 6 months की प्रेगनेंसी हो चुकी थी और हमारा बहुत सारा पैसा लग चुका था एंड द टाइम कम कि हम एग्जॉस्टेड हो चुके थे फिनेंशियली और हमारी काउंसलिंग हो रही थी क्योंकि हर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, नन ऑफ रिपोर्ट वाज सेइंग कि बेबी, एक एक सिंगल रोशनी की किरण हमें नहीं दिख रही थी कि हमें कहीं से भी वो लाइट दिखाई पड़े। फिर फाइनली एक टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में आता है एंड दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 1,25,000 और 20,000। उसमें बेबी का सीरम लेकर के मुंबई लेबोरेटरी में भेजना था, किसी लेबोरेटरी में, मैं नाम भूल रहा हूँ। दैट वॉज अ लास्ट वर्ल्डली मेडिकली टेस्ट जो मतलब हमें करना था, उसके बाद हमें डिसाइड करना था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सीरम जाता है और 21 डेज के बाद में रिपोर्ट आती है, वो भी पॉजिटिव होती है, वो डीएनए डेवलप करके देखते हैं सारी चीजें। देन फाइनली डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई वी विल सजेस्ट एज ए मेडिकली कि आप अबॉर्ट करवा दें क्योंकि बेबी हेल्दी नहीं हो सकता है, बेबी विल बी 100% अनडेवलप्ड। बट हम लोगों ने एज यू राइटली सेड कि हम लोग फर्म बने रहे, उस वचन के हाथ को हमने थामे रखा एंड हम 2-2 बजे 3-3 बजे मतलब हमें पता नहीं होता था कि हम कब बाइबल पढ़ रहे हैं, कब दुआएं कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ हम दो लोग जान रहे हैं, एक मैं, एक शालिनी जी और तीसरा हमारा डैडी जो वहां से बैठ के हमें तसल्ली और इत्मीनान दे रहा था। हमने फिर फिनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके थे, हमने डॉक्टर चेंज किया, फिर हमें होली फैमिली का सजेशन मिलता है, हम होली फैमिली जाते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर वाई पांडे हैं, उनसे कंसर्न करते हैं, वो हमारा केस रिफ्यूज कर देती हैं, इतने एडवांस पे हम नहीं लेंगे। बट हम एवरी इवनिंग हम जाते थे और उनकी क्लिनिक के बाहर बैठ जाते थे, जब लास्ट में 10 बजे क्लिनिक बंद करती थी, पीछे घर होता था, वो हमें देखती थी और हमें मना करती थी। एंड ये प्रैक्टिस 9 से 10 दिन तक चलती रही, 11वें दिन उन्होंने हमें क्लिनिक के अंदर फाइनली बुलाया और एक्सेप्ट किया कि अब मैं केस लेती हूँ। खैर उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया, सारी चीजें हुई एंड जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड डेट दी गई हुई होती है डिलीवरी की, वो डेट आती है 23 मार्च और हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं होली फैमिली। शालिनी जी इज फिट एंड फाइन, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। 22 की रात में हम लोग
पिज्जा खा रहे हैं ऑल दोस थिंग की इनका मन होता है। हमारे एक प्रेयर डॉक्टर पाई सैम साहब हैं हमारे चर्च में, हम उनके साथ थे एंड उनके डैडी आए हुए थे। उनके डैडी ने स्पेशली मतलब प्रेयर करी रात के 11 बजे। हमें कुछ चीज़ें भूलती नहीं है लाइफ में, वो ऐसे मोमेंट थे। खैर नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा देखती हैं, इन्हें एडमिट कर लेती हैं, आर्टिफिशियल पेन्स दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। एंड 12 एक बजे 2 बजे आके हमसे कहती हैं कि ये प्रोसीजर हम कल फिर से करेंगे। एंड आई एम द ओनली वन, इनकी मदर हमारे साथ गई थी बट उनको डॉक्टर साहब ने वापस भेज दिया था कि आप इतनी भीड़ यहाँ पे ना रखिए। चलिए फिर 4 बजे वो चैपल चली जाती हैं एंड उसके बाद में वो वापस आती है 1 घंटे के बाद में एंड शी इमिडिएटली कॉल्ड मी कि आशीष मैं आज ही सर्जरी करूंगी, क्या आप तैयार हैं? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मतलब मैं तैयार से क्या मतलब, मैंने तो आपके हाथ में दे दिया है, ऐसे आप जो डिसाइड करेंगे आप करिए। देन वो प्रिपरेशन ओटी वगैरह प्रिपेयर होने लगता है। रोली फैमिली में फॉर डिलीवरी सनसेट के बाद में डिलीवर होती नहीं है अगर कोई अर्जेंसी ना हो। एंड दैट वाज अ टाइम पी ओटी तैयार हुआ और इनको ले जाया जाता है एंड 9:40 पे निलिशा जी का जन्म होता है। एंड मैं अकेले बैठा हूँ ओटी के बाहर और आंसू आ जाते हैं जब मैं ये बात बोलता हूँ कि थैंक यू कि निलिशा का वेट उस समय कितना था, आई बिलीव 4.25 किलो के आसपास थी एंड डॉक्टर साहब रो रही थी इनको लेकर के और मैं रो रहा था। हम दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ हुआ है वो क्या था। दैट वाज अ थिंग कि यू राइटली सेड कि हमारे हमारे लाइफ में बहुत टफ टाइम आता है और उस टाइम में अगर हम परमेश्वर के साथ में हैं, उस हैंड होल्डिंग को हमारे साथ में है एंड थैंक यू सो मच। एंड अब ये वो समय होगा कि पूरी कांग्रीगेशन अपनी गवाहियों को लेकर के आ सकती है कि हमारे परमेश्वर को जलाल मिले। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, पूरा फोरम इस समय आपके पास में है, आप अपनी गवाहियों को लेके आइए। पर क्योंकि पर में यस शकुंतला दी प्लीज। आशीष और शालिनी हमें ये बात पता नहीं थी, जैसे तुम कह रहे हो किसी को भी परिवार में नहीं पता थी, बट वी प्रेज गॉड फॉर बेबीज लाइफ एंड फॉर ब्रिंगिंग अस दिस फार। जैसे आप सबको पता है कि हमारा परिवार इतने टाइम में बहुत ही कठिन समय से जा रहा है, गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुदा को शुक्र देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमें सामर्थ्य दिया, हमें संभाला और हर मोड़ में जीवन के मैंने जीवन बहुत देखा है। लेकिन मेरे फादर जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो मेरी ताई ने और एक पास्टर ने पकड़ के डैडी को दुआ दी थी। हमने देखा था उनको स्ट्रेचर पे जाते घर से और मैंने उनको चलते हुए वापस आते हुए देखा था, मैं कोई 10-11 साल की थी और वो चमत्कार देखा। और फिर डैडी 85 ईयर्स हो के खत्म हुए और उस दिन से मेरा विश्वास बहुत प्रेयर में बन गया। और आज जब हम एक चौराहे पे खड़े हैं और रामला के जीवन की भीख मांग रहे हैं और अपने परिवार के लिए आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि रामला के लिए दुआ करें, क्योंकि बच्चा जो है अभी ब्रदर चला गया है मेरा और मेरी जो भतीजी है वो 21 साल की जवान लड़की है और बहुत डिस्टर्ब है। मैं ये पूरा विश्वास करती हूँ कि ईश्वर रोमला को चंगा करेगा और हमारी जीवन में ये भी चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि हम सब बहुत इनसिक्योर हैं। लेकिन इस बीमारी में भी जहाँ पर इतना खर्चा है, इतना प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, हर जरूरत को पूरा करता है, उसने हमेशा की है और आगे भी करेगा। हमें ऐसा पूरा विश्वास है, किसी चीज की उसने हमें घटी कमी नहीं दी, हमारे आंसुओं को पोछेगा। इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ है और जितनी भी कठिनाई है वो हमें भरोसा देता है
मेरे परिवार को, शांति को और अमला को नहीं पता है ग्रेविटी सिचुएशन की क्या है। और जब भी मैं पूछती हूँ रामला से कि तुम कैसी हो, नहीं मैं ठीक हूँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बिल्कुल ठीक होने में ही मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि तूने उसको ठीक रखा। तो ये मेरी गवाही है। और आशीष, जब आपने दुआ की कि उसको और पानी की जरूरत थी, गर्मी में तड़प रही थी, डॉक्टर ने वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो उसके लिए सिचुएशन ही बदल दी। तो हमारी सिचुएशन बदलता है। देन वी वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। चिराग, जो आपने बोला, आई हैव वॉक्ड थ्रू द वैली ऑफ डेथ मेनी मेनी टाइम्स, मेनी मेनी टाइम्स। 28 अक्टूबर 2019 को मेरे घर में आग लगी और सब कुछ मेरे घर का जल गया, एवरीथिंग, एसी सारे घर के मेल्ट होके गिर गए। और फिर ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैंने लाखों रुपए लगा के, पर उसने सामर्थ्य दी कि मैं घर बना सकूं। 28 अक्टूबर 2020 में भाई गया, उसी दिन भाई, एक साल के बाद भाई गया। और भाई का जाना मेरे लिए इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक माय बैक, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट गॉड इज देयर विद मी व्हेन आई वॉक थ्रू दिस वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। थैंक यू चिराग आपके वचन के लिए, दैट many many times, but God has always been there with me. He will be there with us. He will give us what is right, what is good for us. आज हमें नहीं दिखता है, लेकिन कल हमें जरूर दिखेगा in hindsight what was good and what was not good. और इसी बात की तसल्ली देते हैं कि भाई अपाहिज नहीं हुआ, जीसस ने उसको चलते फिरते ले लिया क्योंकि वो भी नहीं देख सकता था। So thank you for your message. It was very powerful. It spoke to me. It spoke to us. And praise God for your life and your ministry. Thank you, Chirag. Thank you so much, Deep. मैं request करूँगा मिलू जी से, आप अपने आप को unmute कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपके माइक में कुछ दिक्कत है। आप माइक हटा लें and speak. नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट आप एक बार लॉग ऑफ लॉग इन कर लें। जब तक मीनू जी आ रही है, किसी और की टेस्टिमनी, किसी और की गवाही हो तो, जो हमारे परमेश्वर की महिमा और जलाल में हमारे जीवन को आगे बढ़ाती और हम सबको इंकरेज करती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी आ रही है, नो इश्यूज। सो यस, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की हैंड होल्डिंग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम हर दिन, हर सेकंड, हर पल, क्योंकि जितना हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ रहे होते हैं, हमारा बैरी भी उसी, हमसे ज्यादा उसी सामर्थ्य के साथ हमारे कॉम्पिटिशन में खड़ा हो रहा होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम परमेश्वर ने हमें अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलने के लिए ही बनाया। सो यस, मीनू जी इज हियर। जी मीनू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, होती रहती है। वी ऑल आर नॉट एक्सपर्ट, हम सिर्फ परमेश्वर के वचन में एक्सपर्ट बने रहे। जी मीनू जी प्लीज। जैसे भैया सबको जय मसीह, सबसे पहले जैसे भैया आपने नीलिशा के लिए बोला, मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ आरोन के लिए कि मैं जब हमारी शादी हुई 2008 31 दिसंबर, तो आप सबको पता है मैं एक ऐसी सोसाइटी से है कि 6 महीने बाद ही सब कहने लगते हैं कोई खुशखबरी कोई खुशखबरी। लेकिन इनफैक्ट कि मुझे मैरिज के बाद पता चला कि मुझे थायराइड है और मुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा था। और पिछले 2 साल में तो मैंने कुछ कभी नहीं सोचा कि चलिए मैं अपना इलाज करवा रही हूँ, सब कुछ है, नॉर्मल चल रहा था, थायराइड ऊपर नीचे हो रहा था कभी। तो 2011 भैया 18 जनवरी मेरे ससुर जी की डेथ होती है और मुझे अनफॉर्चुनेटली अपनी जॉब से रिजाइन करके मुझे मथुरा रहना पड़ता है क्योंकि मेरी मेरी सास और मेरी मौसिया सास अकेली थी।
जब मैं वापिस आती हूँ जून में और मुझे नहीं पता था कि मैंने कंसीव किया है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ट्रैवल आना जाना करने के बाद मेरे को मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन खुदा ने मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जब एक लेडी इस चीज के बारे में सोचती है तो बहुत, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली में दोनों साइड के पेरेंट्स को ये बोला जा रहा था कि बच्चे चाहते नहीं है बेबी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी चीज कैसे बताएं, सबको कुछ पता कैसे बताएं। लेकिन फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि मेरी मम्मी सफदरजंग से रिटायर्ड थी एएनएस की पोस्ट से, तो वहां से भी सारे सिर्फ थायराइड में प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने अपोलो में भी टेस्ट करवाया, मैंने न्यूफ्रेंड्स कॉलोनी में भी, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जीवन हॉस्पिटल, वहां से करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक बायोप्सी टाइप के लिए बोला जिसमें 99% था कि आप उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक धुन होती है तो आपके दिमाग में ये होता है कि नहीं करना है, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने और मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं ये बहुत खतरनाक टेस्ट है और इससे दिक्कत आएगी, अभी जो छोटी दिक्कत है वो उसमें बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। तो समीर जी ने बोला कि एक हमने दुआ करी घर पे आके और बोला कि क्या कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं पता चल पा रहा है, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, खुदा ने हमने दुआ करी तो उनका नाम हमारी दुआ में आया और उन्होंने बोला कि उन डॉक्टर के पास जाओ और सोल्यूशन मिलेगा। तो समीर ने हकीम खुशीश मुराद है, शायद हमारे ग्रुप में हमारे आशु भाई हैं, वो जानते हैं आशु एंड आशीष एंड शिप्रा, और उनके पास मैं गई, बरेली गई, मैंने दिखाया सिर्फ जितनी भी रिपोर्ट्स थी मैं सारी चीजें लेके गई और सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम थी, और खुदा की इतनी आशीष रही, और जो मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट के टाइम की खुदा ने सबको दिया, खुदा मुझे भी देगा। एक मैं दुआ में बैठी थी, सिर्फ आंसुओं से यही दुआ करती थी कि खुदा मुझे भी देगा। और पता नहीं भैया, जब वन ईयर की प्रेयर जब हम 2009 में, मतलब 2012 में गए, मथुरा गए फादर इन लॉ की प्रेयर के लिए, और जब मैं वापिस आई तो खुदा ने करिश्मा ये दिखाया कि मैं वन मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे पता ही नहीं था, और मैं इतना ट्रैवल आना जाना करके आई थी, और खुदा सबको सब कुछ देता है। लेकिन इस गवाही से मैं ये बताती हूँ कि इतना अच्छा बच्चा दिया और इतना सबर रखने वाला बच्चा, और कभी कोई जिद नहीं, समझ जाना। और मैंने को एक चीज उस गवाही से ये याद आई कि खुदा ने सबके लिए एक टाइम लिखा हुआ है, हम परेशान होते हैं लेकिन वो जो टाइम होता है वो खुदा ने लिखा है, और वो उस टाइम से ही हर चीज होगी। तो बस मैं अपने सारे भाई बहनों को सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हमें एक इनकरेजमेंट की आशा हमें अपने जीसस पापा से रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीसस पापा हमें कभी निराश नहीं करता है, हमेशा हमारा जीसस पापा सुनता है, और जो भी जितनी भी हमारी दुआएं, जितनी भी हमारी जरूरतें वो अपने भंडारों से देता है। सिर्फ टाइम, एक टाइम जो हमारा है वो टाइम निकालना फायदा वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो हर चीज अच्छी चीज हमेशा एक टाइम से देता है। और बस आप सबको जय मसीह, ये मेरी गवाही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मेनू सिस्टर फॉर दिस पावरफुल लिविंग टेस्टिमनी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस योर एंटायर फैमिली एरॉन एंड समीर भाई। थैंक यू भैया। सो नाउ वी हैव come to the closing section of our today's praise and worship, and for this worship. So I'll request Brother Joshan Thomas, he is with us, to lead us in the closing prayer and benediction. Brother Joshan, please. You are on mute. You are on mute, please. Yeah. Praise God. Now it's audible. Yeah. Okay. Praise God.
thank God for the beautiful message that God strengthened the brother and also blessed testimonies. And may God bless all the believers, and let God do great things, and Lord, let God answer their prayers in this coming week. And especially the brother who shared the message, may God bless you, or may God strengthen you with showers of blessings, and may God open a new doors for you, for your ministry, and especially Ashish brother, and also family, and also each and everyone. May God bless you all, and let's pray. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Precious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day you've given us, oh God. Hallelujah. For last 1 week, you guided us, you protected us, saved us, you healed us. When we look back last days, so many things came into our life. So many things that we couldn't face. But you sent the answer at the right time. And it is done in our life. We are expecting miracles and healings and blessings in our life because we are worshiping a true living God who is still alive. Especially, I pray for this church. I pray for Shish brother and also Alina sister, Angelina sister of God, and their family, and the whole family should be blessed in the mighty name of Jesus. Stay for their healing hand and blessing hand upon them, oh God. They are doing, to praise and raise the Father's name, because you have given us the promise. Amen. Hallelujah. Whoever worships in my name, they'll be blessed. I pray for this ministry. I pray for this Zoom meeting. It should be a blessing for them. Hallelujah. It should be hallelujah, manna for them. They should not be hungry and thirsty for anymore, oh God. Hallelujah. Stretch for their healing and blessing upon them. In all areas of their life. You should protect them, oh God. You should guide them, strengthen them. Hallelujah. Be useful. Fruit for others in the name of Jesus, I declare, oh God. I pray for the brother who shared the message. Amen. I don't know about the brother, but my father has seen him before his birth in his mother's womb. You called his name, and you're going to do great things in his life. I believe it, oh God. Hallelujah. Stretch forth your healing hand and blessing hand upon him. Your one word is enough to bless him more and to do great things in his life, oh God. Hallelujah. Bless him mightily. Let him do more to preach and to reach. To raise and praise my father's name, oh God, hallelujah. Hallelujah. There are so many people, hallelujah, who's still waiting to know about Jesus Christ. Use this brother. Use brother to do and to glorify your holy name, oh God, hallelujah. The message, the seed that he throws, it should be fruitful for others, oh God. Let it grow, hallelujah, more powerful in his life in the name of Jesus. I pray for brothers. Family, the whole family should be blessed and be anointed in the name of Jesus, I declare, oh God. I pray for all the believers who came for Zoom meeting, oh God, hallelujah. Whatever they are facing, some they can share, some they cannot share. But I believe your presence is there. Strengthen them, guide them, bless them, heal them, and give them answer at the right time in the name of Jesus, oh God. Because they are worshiping a true living God, oh God, hallelujah. Thank you for the beautiful message. This message should be strengthening us in the coming days, oh God, hallelujah. Anoint us, oh God, hallelujah. Each and everyone who shared the testimony and hallelujah, who all are waiting for the answers, hallelujah, from God Almighty. Let it be done at the right time, oh God, hallelujah. Let your blessings be there with us, mentally, physically, financially, spiritually. Let your peace, joy, happiness pour upon us and be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Whatever you ask in my name, I will do it. My father gave us a promise. Let it be done in our life, oh God. Each and everyone, until we meet next Saturday, let your presence and your guidance be there in each and every four sides of our life area, oh God. Strengthen us, bless us, oh God. Once again, I pray for our brother and also family and also the brother who preached and also the sisters who shared the testimony. Hallelujah. And also all the believers who has come for the Zoom meeting, oh God. Let your presence be there with us in all ways of our life. Thank you for hearing your praise. Thank you for answering our prayers. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name, we pray and declare. Amen, amen, amen. Thank you so much, Brother Joshin. And ye wo time hoga ki next meeting ka announcement main karu. And next week bhi Parmeshwar ki दासी हम लोगों के बीच में होंगी और वो लखनऊ से हैं एंड बिलीव मी परमेश्वर आने वाले सैटरडे को
बहुत बड़ा काम करने वाला है हम लोगों के बीच में। सो आप सब लोगों को इनवाइट है, आप सब लोग आए और उस परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की स्ट्रेंथ को महसूस करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रभु यीशु मसीह में आप सब खुश रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू सो मच।